बाबा भोलेनाथ का दरबार तो वैसे भी स्वर्ग है, आप स्वर्ग में जाते हो तो रास्ता भी स्वर्ग जैसा ही होता है। ये देखिए कितना खूबसूरत रास्ता है। यहाँ पे मैं थोड़ी देर ब्रेक लिया हूँ, आप भी आइए तो ज़रूर ऐसे रास्तों पर रुक के इसका मज़ा लीजिए। मैंने अपनी बाइक साइड में लगाई और सामने देखिए क्या नज़ारा है। ज्योतिर्लिंग पहुँचने से 2-3 किलोमीटर पहले ही एहसास हो जाता है कि बाबा का दरबार आने वाला है। ये देखिए अगल बगल जंगल, बीच में रास्ते, क्योंकि भोले बाबा ऐसी ही जगह रहते हैं। मंदिर में भीड़ तो थी लेकिन ये अलग सा सुकून है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी मैं फुल रेडी हो जाने के लिए, यहाँ ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं बाइक पर, पूरी बात करते हैं कि कितने बजे निकल रहा हूँ और पूरी इस ट्रिप की मैं जानकारी बाइक पर देता हूँ। चलिए बाइक पर मिलते हैं। चलिए भोलेनाथ जी का, अब बाबा शंकर का आशीर्वाद लेके हम लोग निकलते हैं पुणे टू भीमा शंकर, जो मेरे घर से 105 किलोमीटर है। और अभी मैप में टाइम दिखा रहा है 2.5 घंटा, मतलब 7 बजे पहुंचने का टाइम दिखा रहा है। तो मैं अभी टाइम दिखा रहा 4:44 पे निकला हूँ, 7 बजे मेरा टाइम दिखा रहा है, 7:15 के बीच में। मेरा यही रहता है कि जितना मैप में टाइम दिखाता है उसी टाइम पर मैं पहुँचता हूँ, क्योंकि अगर बीच में ब्रेक भी लेता हूँ फिर रास्ते में चीज़ें मैं कवर कर लेता हूँ। तो अभी निकला हूँ, 4:45 हो रहा है, जाता हूँ। ये ऑफिशियली अगर बोलो तो रॉयल इनफील्ड से मेरी फर्स्ट राइड है, ये वो भी इतनी अच्छी जगह पे है, ज्योतिर्लिंग जा रहा हूँ मैं दर्शन करने। इसके पहले मैं राइड कर चुका हूँ, ये ऐसे बाइक राइड मेरी पहली नहीं है। मैं अवंतिका के साथ काशी जा चुका हूँ, देवगढ़ जा चुका हूँ, अलीबाग जा चुका हूँ, इवन भीमा शंकर भी मैं जा चुका हूँ बाइक से। 6 साल पहले गया था बट सोलो नहीं था, जैसे ये आज मेरा सोलो बाइक राइड है, उस समय सोलो नहीं था, उस समय 7 बाइक थी और सब पे 2-2 लोग थे, तो हम 14 लोग गए थे। और वो नाइट राइड किया था हम लोग ने, तो रात को 12:30 बजे 1 बजे के करीब निकले थे और हम लोग सुबह 4:30 बजे पहुँच गए थे। 3-4 घंटा हम लोग ने लिया था आराम से, बीच में रुकते चाय पीते गए थे, तो आराम से पहुँच गए थे। वो फर्स्ट टाइम मैं भीमा शंकर गया था, मुझे उसी समय बहुत अच्छा लगा था। अभी तक देखो, अभी मैं वो चीज़ याद कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में वही चीज़ आ रही है कि कैसे गए थे हम लोग, कौन कौन था, कितने मस्ती किए थे, फिर वहाँ जाके दर्शन कैसे किए थे। और सबसे अच्छी बात उस समय क्या हुई थी कि जो शंकर जी की शिवलिंग है वो चांदी के एक परस से ढका हुआ है। वो शिवलिंग आपको ऐसे नहीं दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा, आप दिन में दर्शन करने जाओगे तो कभी नहीं दिखेगा, तो वो चांदी के उससे ढका हुआ। तो जब हम लोग सुबह 4:30 बजे पहुँचे तो पंडित जी उस समय चांदी के ऊपर थके शिवलिंग को नहला रहे थे, और उस समय तो भाई कोई नहीं था, भीड़ भी नहीं होती थी। आजकल भीड़ बहुत ज़्यादा होने लगी है, वो भी हम बात करेंगे, उसके बारे में भी मैं बताता हूँ कैसा है, और चल के मैं दिखाऊँगा भी कि कैसा है क्या है। तो भीड़ बिल्कुल नहीं होती थी, हम लोग पहुँचे तो भक्त क्या थे, फैमिली लोग थे, बाकी पंडित लोग थे। तो जैसे हम लोग पहुँचे पंडित जी बोला चलती हो चलती, बट तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो, तुम लोग को ये शिवलिंग छूने का मौका मिल गया। तो उन्होंने सब लोगों ने शिवलिंग छुआ, आशीर्वाद दिया, फिर हम लोग बाहर आके दरवाजे के बाहर आके शिवलिंग के वहाँ बैठने की जगह है, वहाँ बैठे रहे। जब मैं गया था तो उस समय कमर्शियल बिल्कुल नहीं था, बाहर ज़्यादा दुकानें नहीं थी, भीड़ बिल्कुल नहीं होती थी। गाड़ी लेके, कार लेके या बाइक लेके सीधे पहुंच जाओ पार्किंग पे। अभी लास्ट जो मैं गया था वो 2.5 साल पहले गया था, तब भी कोई इतना प्रॉब्लम नहीं था। मम्मी को लेके, दीदी को लेके गया था मैं, उसके बाद पापा को लेके गया था लास्ट टाइम में, तो सीधे कार लेके मैं मंदिर के पास तक गया था, फिर अंदर मंदिर में दर्शन करने चले गए थे। लाइन भी ज़्यादा नहीं लगती थी, आप सीधे अंदर जाओ, मंदिर के नीचे आ जाओगे आप तो आपको 15-20 लोग की लाइन मिलती है, वो 10 मिनट में हो जाता है, अंदर जाके दर्शन आप कर सकते हो। बट अभी मैं लोगों से सुनता हूँ कि आजकल लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मतलब ऊपर से नीचे थोड़ा उतरना पड़ता है सीढ़ियों से, वो सीढ़ियों से लाइन लगती है, जो अगर आप 8-9-10 बजे पहुँचे तो आपको दर्शन करने में 1 घंटा लग जाता है। अब क्योंकि भीड़ बढ़ रही है तो पार्किंग भी बढ़ रही है। पहले आप मंदिर तक जाते थे, ज़्यादा बाइक ज़्यादा कार रहती थी, तो बहुत ज़्यादा कार बाइक बस आने लगी हैं, तो पार्किंग बना दिया गया है, पार्किंग 1, पार्किंग 2, पार्किंग 3 ऐसा मैंने सुना है, आज जाके मैं देखता हूँ। तो आपको दूसरी पार्किंग में अगर मिल रहा है तो वहाँ कार खड़ी करते हो 4-5 किलोमीटर पहले, वहाँ बस चलती है, आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुझे भी आइडिया नहीं है। तो आपको बस में बैठाया जाएगा, बस आपको भीमा शंकर छोड़ेगी मंदिर, फिर वहाँ से लोगों को लेकर आएगी, ऐसे वो टू एंड फ्रो करती रहेगी। तो ये सब चीज़ें हैं। अब मैं 2.5 साल पहले जा रहा हूँ और मुझे पता नहीं बाइक का क्या सीन है वहाँ पे, कि बाइक अंदर तक जाने देंगे कि नहीं, कि बाइक भी पार्किंग में पीछे रोक लेंगे,
वो भी मुझे नहीं पता है, बट भोले बाबा का नाम लेके जा रहा हूँ कि जैसे जा रहा हूँ बाबा बस ऐसे ही मुझे हंसता खेलता तंदुरुस्त मुझे भेजे। मुझे पूरा विश्वास है कि सब अच्छे से होगा, अच्छे से जाएंगे। तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यार ये रास्ते थोड़े ख़राब हैं यहाँ पे, आई थिंक ये ख़राब इसलिए हो गए कि बारिश की वजह से ख़राब हो गए। क्वालिटी ये रोड की सही नहीं बनी, तो बारिश का पानी पड़ा, थोड़ा ज़्यादा देर पड़ा पानी रहा, इस पर तो रास्ते ख़राब हो गए। बट रास्ते ख़राब है, अगल बगल आप देखो, सामने देखो कितने ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं, पूरा ग्रीनरी ही ग्रीनरी। ये बारिश हुई है तो पूरा ग्रास है सब ग्रीन है, सब खिले हुए हैं। सुबह सुबह का समय है, ये कितना 6:15 बज रहा होगा, तो मोबाइल मुझे दिखाई नहीं दे रहा, पूरा कवर लगाया मैंने, और ये 6:15 बज रहा है। कितना अच्छा लग रहा है यार, ये देखो कितना मचा है, 15 मिनट्स पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी। और भीमा शंकर थोड़ा ऊपर है और शहर से काफ़ी दूर है, मतलब मैं मानता हूँ शहर से 80-90 किलोमीटर तो दूर होंगे ही, पुणे से 100 किलोमीटर है, बाकी और भी जो आसपास का शहर पड़ता होगा उतने दूर है। यही बेस्ट है यार कि इतना दूर है तभी इतना ग्रीनरी है वहाँ पे। मतलब ये बोला जाता है कि अगर आप स्वर्ग जा रहे हो तो स्वर्ग का रास्ता भी स्वर्ग जैसा ही होगा, तो बाबा का स्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं है। और जो रास्ता है वो स्वर्ग का रास्ता तो मतलब पढ़ा ही लिखा सुना ही होगा, क्योंकि अभी तक कोई गया नहीं होगा, लेकिन आपने पढ़ा लिखा या कहीं सुना होगा कि स्वर्ग का रास्ता बहुत अच्छा है। इमेजिन करो तो ऐसे ही होगा, पूरा ग्रीनरी, अगल बगल ग्रीनरी होंगे, पहाड़ होंगे, अच्छे अच्छे बर्ड्स होंगे, चिड़िया होंगी। लेफ्ट साइड में आप देखो नदी साथ में चल रही है, पीछे नदी चल रही है और ये सामने रोड है, मस्त मज़ा आ रहा है। इस पर तो बाइक करने में और मज़ा आ रहा है, तो सोलो हूँ, जाके रेन कोट पूरा अपना पहना हुआ है, तो बारिश की मुझे कोई टेंशन नहीं। लेफ्ट में नदी, बीच में रास्ता, आगे 3-4 बाइक्स और जा रहे हैं, वो भी शायद भीमा शंकर ही जा रहे हैं, लेकिन हाँ अभी 1 घंटा बचा है, थोड़ी दूर बचा है, तो वो लोग भीमा शंकर ही जा रहे होंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसे आगे बढ़ता हूँ। ये आगे से मुझे भी पीछे में टर्न पे था, मुझे व्यू इतना अच्छा दिखाई दे रहा था, शाम को सामने पहाड़, जैसे हम सीनरी बनाया करते थे वैसे ये रोड है, पहाड़ और लेफ्ट साइड में देखो नदी, कितना सही लग रहा है। ये बैरिकेडिंग लगाया ताकि टर्न है, क्योंकि टर्न से सीधा सीधा कोई अंदर ना चला जाए, और कितना प्यारा लग रहा है, ये नदी दिख रही है और पूरे ग्रीन ग्रीन सामने पहाड़ दिख रहा है, तो मतलब नज़ारा ही यार कितना अच्छा है, आँखों को कितना सुकून मिल रहा है। बाइक चला रहे हैं ऐसे में, मुझसे 400-500-600 किलोमीटर बाइक चला लो, थकावट नहीं होगी, बस रोड थोड़ा सही रहे, क्योंकि रोड में ज़्यादा ब्रेक क्लच गियर का ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, उससे थकावट हो जाती है। बट रोड अगर जैसी अभी है, पहले जैसी थी वैसे नहीं, जैसे अभी रोड है ना वैसे रोड मिले तो मज़ा आ जाए, ऐसा रहा पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी, और हल्की हल्की बारिश होती रही, बारिश की कोई टेंशन नहीं, रेनकोट पहना है, मोबाइल को भी रेनकोट पहनाया है, और मस्त चले जा रहे। पीछे में टॉप बॉक्स में सारा सामान रखा है, सामने पूरी चोटियाँ दिखाई दे रही हैं, जाना हम लोग को ऊपर ही है, जाना ऊपर ही है, नीचे नहीं जाना है। तो ऊपर वो जो पहाड़ आपको सारे दिख रहे हैं उसी में कहीं भोलेनाथ जी का शिवलिंग है, तो जाना उधर ही है। चलते चलते हम मुझे एक बहुत अच्छी जगह मिली, मैं कहा यार यहाँ रोकना बनता है, यहाँ ज़रूर रुकेंगे, तो साइड में मैंने अपनी बाइक लगाई और यहाँ मैं रुका, और देखिए कितना सही है, बाइक ऐसे मैंने साइड में लगाया और उसके पीछे देखिए, वो कोई नाली वाली कुछ नहीं, वो डैम टाइप का है और वाटर बहुत क्लीन है उसका। चलो उसके पास चलते हैं थोड़ा थोड़ा सा, देखते हैं कैसा है। देखिए अब अगर बाइक से आया हूँ तो रुकूँगा यार, बीच बीच में रुकूँगा, और जब मन करेगा जहाँ मन करेगा वहाँ रुकूँगा, उसके बाद उस नज़ारे को, रास्ते को एंजॉय करूँगा, उसके बाद बाबा के दर्शन करने जाऊँगा। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि रास्तों का मज़ा तो लेना ही है। नीचे ऐसे ऐसे पत्थर पड़े हैं, छोटे 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 बड़े सब मिक्स पड़े हैं, सामने देखो पानी यार कितना साफ पानी है, ऐसे लग रहा है कि हम लोग लद्दाख में स्पीति वैली की तरफ है, पानी देखो कितना साफ है, नीचे तक पूरा दिखाई दे रहा है, और उधर से ये बह रहा है और बह के ये थोड़ा सा आगे जा रहा है, और उधर मेरी बाइक ये खाली है। एक चीज मुझे और बताना है कि अगर आप भीमा शंकर आते हो तो आप अगर कार से आ रहे हो, 4-व्हीलर से आ रहे हो या उससे बड़ी गाड़ी से आ रहे हो, तो आपको टोल देना पड़ेगा भीमा शंकर एंट्री करने के लिए, 50 रुपये 100 रुपये मुझे पता नहीं, लेकिन बाइक के लिए टोटली फ्री है। तो अगर आप अभी
बाइक राइड करने के शौकीन हो तो आप बाइक से आ सकते हो। उसमें क्या है, अगर पार्किंग भी मिलनी होगी तो आसानी से आप फाइट से निकाल के कहीं पार्किंग लगा भी सकते हो और इस टोल से भी बच जाओगे। प्लस गाड़ी कहीं भी लगा दो, नज़ारे का मज़ा ले लो, कभी भी रुक जाओ और भीड़ भाड़ हो ट्रैफिक हो साइड से निकाल लो, तो ये बेस्ट है। अभी देखिए मैं भीमा शंकर पहुँचने वाला हूँ और पहुँचने से पहले कुछ ऐसा नज़ारा रहता है, अगल बगल जंगल है, बीच की रोड एकदम मक्खन मस्त है और उसकी स्ट्रीट लाइट भी अगर आप देख पा रहे हो लेफ्ट राइट साइड में वो भी त्रिशूल नुमा बना है। नंदी जी देखो यहाँ पे, नंदी जी भी हैं, सब लोग यहीं पे हैं। और ये देखिए अगल बगल जंगल से होते हुए सीधे रास्ते से भीमा शंकर, ऐसे जब रास्ते आ जाते हैं तो पता चलता है कि भीमा शंकर आने वाला है। यहाँ से 4.5 किलोमीटर, 4.5 भी नहीं है शायद, कितना दिखा रहा हूँ, 4 मिनट। और उसके पहले देखो लेफ्ट राइट में ऐसी पार्किंग, जब मैं 2.5-3 साल पहले आता था तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं मिलता था, मतलब रोड्स पे तो गाड़ी लगी ही नहीं रहती थी। अगर रोड पर लगी रहती थी तो भीमा शंकर मंदिर के जस्ट पास में 4-5 गाड़ी लगी। भैया आगे कर लो थोड़ा, पीछे गाड़ी आ रही है, आगे करो ना यार थोड़ा सा। हाँ यार कोई बात नहीं, निकल जाएँ ये किया वाले भैया, पीछे ऑल्टो वाले भी निकल जाएँ, उसके बाद मैं निकलता हूँ आराम से। अब मैं चलता हूँ, तो मैं बोल रहा था कि पहले ऐसा नहीं मिलता था मुझे, 5-6 आगे बस खड़ी रहती बात। लेकिन अभी देखो मैं चलता जा रहा हूँ और सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिख रही हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लो और अभी कितना 7:30 बज रहा है ना, 7:20 के करीब हो रहा है और इतनी भीड़ है, आप इमेजिन कर लो। जब आप 8 बजे 9 बजे आओगे, ये देखो इधर बस स्टैंड भी है तो बस का भी आना जाना है, तो अगल बगल आप गाड़ी लगा दोगे तो बस कैसे निकलेगी, तो इसकी वजह से भी जाम लग जाता है। लेकिन मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूँ ताकि बस निकले उसके बाद मैं उसके पीछे जाऊँ। ये एक्चुअली मैं भीमा शंकर पहुँच गया हूँ, अभी बिल्कुल पहुँच जाऊँ, अभी मैं थोड़ा और अंदर जाके दिखाता हूँ बस, बस निकल जाए। मैं थोड़ा और आगे कर लेता हूँ, साइड कर लेता हूँ, ये बस निकलती है तो फिर मैं सीधे मंदिर के सामने जाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ तक तो मैं आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी ने रोका नहीं पार्किंग के लिए और मैं आगे आ गया हूँ। अभी ये थोड़ा सा हट जाए, जब ये एक मिनट, हाँ ये सही है। तो अभी ये राइट साइड में देखो गैप, तो ये बस स्टैंड है, यहाँ पे जाना मना है। अभी पहले मैं यहाँ पे पार्किंग कर देता था कभी कभी, तो अलाउ था, अभी नॉट अलाउ है। मुझे इसके ये जो बैरिकेटिंग लगा है इसके अंदर जाना है, तो मंदिर का एंट्री आगे से है तो इसके अंदर जाके उसके जस्ट सामने एक पार्किंग है, पता नहीं अभी भी पार्किंग है या उसको बंद कर दिया नहीं, वो मैं जाके देखता हूँ यार। थोड़ा वेट कर लो आप लोग भी, मैं बताता हूँ। चलो चलो चलो, मतलब अंदर से कार आ रही है तो उसका मतलब अंदर पार्किंग है, ओपन है, या ये लोग रिटर्न होके आ रहे हैं, आई डोंट नो, अंदर जाके देखते हैं। भैया थैंक यू। हाँ चलो, तो ये साइड में काफ़ी दुकान है, अगर नाश्ता वास्ता करना है तो पूरी व्यवस्था है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है भाई। यहाँ पे चाइनीज़ भी मिलेगा, साउथ इंडियन भी मिलेगा। ये देखो भीमा शंकर पान स्टॉल, ये भी मिल जाएगा, पान वन खाना है लेकिन पान खाओ, अंदर ही थूको अपने, बाहर थूकने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्या बात है, अरे ये मंदिर का यार गेट तो बदल गया बिल्कुल। अभी चलता हूँ देखता हूँ यार क्या क्या बदला है, कि मैं खुद ही 2.5 साल बाद आ रहा हूँ। ये देखो ये राइट साइड में ये पार्किंग है, ये तो फुल दिखाई दे रही। थैंक यू, आगे जाके देखता हूँ कहीं बाइक लगा सकता हूँ क्या। नहीं, इधर तो रास्ता बहुत ख़राब है, इधर नहीं, वहीं चलता हूँ, वहीं देखता हूँ अगर कहीं साइड में बाइक लगा लेता हूँ सही रहेगा। हाँ उधर ही अंदर, इतनी गंदगी है यार यहाँ पे, बारिश में तो हो ही जाती है और लोग भी बहुत जगह से आते हैं पूरे देश से, तो वो गंदगी भी कर देते हैं। पार्किंग में गड्ढे ही गड्ढे पड़े हुए हैं, आराम से किधर लगाऊँ यार, लेफ्ट में कहीं जगह नहीं है, कहीं भी घुसेड़ सकता हूँ लेकिन फिर निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ ये दिखा राइट में थोड़ा सा जगह, यहाँ लगा देता हूँ। चलो यहाँ थोड़ा सा आगे ही करके लगाता हूँ यार, थोड़ा सा होगा। हाँ ये जगह सही है, यहाँ मैं अपनी गाड़ी को पार्क करता हूँ। पहले ये जो गेट था पहले लोहे का था, भीमा शंकर क्षेत्र लिखा रहता था शायद, श्री भीमा शंकर, अभी इन्होंने सीमेंटेड बना दिया। चलो सबसे पहले यहाँ टीका लग रहा है, मैं टीका लगा लेता हूँ। ये लगाया इन्होंने टीका, अभी ये सादा लग रहा है थोड़ा, ऐसे ओम भी लगवाता हूँ। ये लगाया ओम, अब ये पूरा हो गया, अब थोड़ा और भक्ति में हो गया मन। ये लगवा लिए, देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं नीचे, ये पूरा ढक दिया गया, पहले ये ढका हुआ नहीं था, तो अभी बारिश के कारण शायद ढक दिया गया है, तो अभी काफ़ी अच्छा हो गया, नीचे पूरा गीला नहीं है, ये देखो पूरा ढका हुआ है। तो ये भोले बाबा के यहाँ
हनुमान जी भी हैं, क्योंकि उन्हीं का अंशावतार है हनुमान जी। ये देखो यहाँ 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 ऊपर ऊपर। अब ये पूरा ढका है, ये स्टेयर्स है, थोड़ा उतर के जाना है, ज़्यादा नहीं है स्टेयर्स, थोड़ा सा उतर के जाएंगे फिर हमें मंदिर दिखेगा। चलो चलते हैं, देखते हैं भीड़ कैसी है। अभी रास्ते में तो लौटते हुए लोग काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, जाते हुए भी उतने ही दिखाई दे रहे हैं। नीचे देखता हूँ, अंदर जाके देखता हूँ कैसी भीड़ रहती है, क्योंकि मैं खुद ही 2.5 साल बाद आ रहा हूँ, तो देखना पड़ेगा। हाँ दादा, कितने का है? 100 का है ये। अभी अंदर जल चढ़ाने देते हैं क्या? जाते हैं क्या अंदर? ठीक है, अभी तो मैं प्रसाद चढ़ा देता हूँ, एक दे दो, ये ले जाऊँ क्या, आके दूँ क्या पैसे? चलेगा, उठा उठा लूँ क्या? हाँ यार, जल चढ़ा लेंगे, भोले बाबा का सुबह सुबह सही हो जाएगा। प्रसाद लेके मैं अंदर आया, तो थोड़ी लाइन लगी थी, इसको ज़्यादा लाइन नहीं बोल सकते क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रही है। चलिए लाइन में लगते हैं और मंदिर की तरफ चलते हैं। मंदिर के अंदर से ही आप प्रसाद ले सकते हो, अलग से काउंटर है। भाई निकलते निकलते यहाँ का ये पेड़ा लेना ना भूले, और ये कढ़ाई से ही लीजिए, बहुत टेस्टी होता है। मंदिर से निकलते हैं, लौटते मुझे बज गया 8:30, और देखिए 8:30 बजे क्या भीड़। आते समय यहाँ पे बिल्कुल भी लाइन नहीं थी, लाइन को मैंने आपको दिखाया था, लाइन कहाँ पे थी, बहुत अंदर मंदिर के नीचे से चालू हुई थी। जस्ट 1 घंटे में ही आप देख पा रहे हो, 1 घंटे के 45 मिनट में आप देख पा रहे हो कितनी तेजी से लाइन बढ़ गई। 1-1 मिनट में 10-10, 15-15 लोग की लाइन बढ़ जाती है। दर्शन करने के बाद भूख बहुत लगी थी, तो मैंने मिक्स भजिया मंगवाया, मिर्ची का, आलू का, और ये कोई तो है, और चाय के साथ मस्त इसको एंजॉय किया। जब मैंने यहाँ गाड़ी लगाया था तो कुछ नहीं था, मतलब ये लोग तो लगा रहे थे, पीछे कुछ नहीं था। अभी मैं गाड़ी निकालूँ तो निकालू कहाँ से, ये देखो इतना गैप में निकाल नहीं सकता, मुझे जाना पड़ेगा उधर, तो उधर जाने के लिए पीछे तो बिल्कुल ब्लैक है, पूरा ट्राइंगल में लगा है, ये गाड़ी भी लगी हुई है। अभी मुझे उधर जाके उधर से कुछ जगह मिलेगी, निकाल सकता हूँ, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसी जगह फंसेंगे, बट निकालता हूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूँ। ये लोग जो गए थे वो पता नहीं कितनी देर में आएंगे, ग्रुप था पूरा, शायद बैठे हैं, खाएं पिए, बातें होते करें। यार लॉक नहीं किया था क्या? हैंडल लॉक नहीं था, बट इतनी भारी गाड़ी पीछे इतना सब लग रहा, कोई उठा भी हिला भी नहीं पाएगा। खैर कोई बात नहीं, लेकिन दर्शन भाई बहुत अच्छे से हो गए। 1 घंटा लगा, 1 घंटा भी मुझे नहीं लगा, 45 मिनट्स लगे, 45 मिनट्स में दर्शन हो गए। 7:35 पे घुसा और 8:15 पे मैं बाहर आ गया था दर्शन करके। अब बहुत अच्छे से हुए, जल चढ़ाने को मिला, बेलपत्र चढ़ाने को मिला, ऊपर से उधर से प्रसाद मिला, फूल मिला, कुछ दान किया, तो बहुत अच्छा लगा। प्लस मैं 10 मिनट बैठा रहा, ओम नमः शिवाय का जाप किया, उसका और भी पीछे भगवान जी के मंदिर थे उनके दर्शन किया, प्रसाद लिया, कुछ खाया, नाश्ता किया, अभी मैं यहाँ आ गया हूँ। और अभी क्या टाइम हो रहा है? 8:53 हो रहा है, जो मैं सोचा था 7:30-8:15 बजे निकल लूँगा। और भीड़ देखा आपने, क्या भीड़ होने लगी है भाई, पहले ऐसा नहीं होता था। अभी लाइन देखो, मैं कहाँ लगा था, मैं बिल्कुल मंदिर के जस्ट नीचे लगा था जहाँ जिगजैग चालू होता है, और अभी तो मंदिर की सीढ़ियों से लाइन लगी। आप ये सोचो 1-1.5 घंटे बाद अगर मौसम सही होता और सावन का हाल होता, तो ये जो रोड से, जिस रोड से मैं बाइक से आया हूँ ना, वहाँ पर भी लाइन लगी रहती, तो लाइन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आप सुबह 6:30 बजे आ गए, 7 बजे आ गए, 7:15 बजे आ गए, तो आप मंदिर के सीधे नीचे लगते हो, 1/2 घंटे में दर्शन हो जाता है, मेरा यही है। बाकी पार्किंग के लिए लाइन देख रहे हो, पूरी लाइन लगी हुई थी, बाइक का कोई रोक टोक नहीं है। मंदिर के जस्ट सामने मैंने बाइक लगाई है, ये मंदिर है और ये सामने मैंने बाइक लगाई थी, तो उसका भी कोई वो नहीं है, आ गए यहाँ लगा दिए। शायद दोपहर में जब भीड़ बढ़ती है, तो वो जो पार्किंग 1, 2, 3, 4 मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, वहाँ पर लगाते हैं। लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन हुआ, बहुत मज़ा आया, आशा करता हूँ आपने भी दर्शन किए होंगे ये वर्चुअली। आपको ये पता चला होगा कि कितना टाइम लगता है, मुझे 2.5 घंटा लगा आने में, 2.5 से 3 घंटा लगा आने में, क्योंकि बीच में रुका मैं। हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप आ रहे हो, सुबह जल्दी आ रहे हो, तो बीच में नज़ारों के मस्ती लेते हुए ना चलो, जल्दी पहुँचो, जाते हुए फिर रुकते रुकते जाओ, क्योंकि आप 1/2 घंटा रुकोगे तो 1/2 घंटा इधर डिले होगा, 1/2 घंटे में लाइन बढ़ जाएगी, मतलब 25-30 लोग की लाइन बढ़ जाएगी। तो आते हुए नज़ारे का मज़ा ना लो, जाते हुए नज़ारे का मज़ा लो, आते हुए एक बार में तुरंत आ जाओ, क्योंकि मैंने वो फील किया, मैं 20-25 मिनट रुक गया था तो मेरी लाइन वहाँ थी, नहीं तो मैं सीधे अंदर और अंदर लाइन में लग सकता था, लेकिन मेरा बहुत सही था। तो आपको जानकारी मिल गई है पार्किंग का भी, सुबह जल्दी आ जाओगे तो आप मंदिर के पास लगा सकते हो, और थोड़ा थोड़ा जैसे देर आओगे वैसे वैसे आपको पीछे पार्किंग मिलती जाएगी। तो मैं तो बोलता हूँ कि सुबह 6 बजे, 6:30 बजे या 7 बजे पहुँच जाओ,
तो चलिए मैं अपनी गाड़ी यहाँ निकालने का जुगाड़ करता हूँ, और बारिश हो रही है, गोप्रो तो लगा नहीं पाऊँगा, तो गोप्रो को अंदर ही रखता हूँ। मैप लगाऊंगा मोबाइल में, मैप से निकलूंगा, इस गाड़ी को सब हटाता हूँ, मैं निकलता हूँ। आशा करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। भैया देखो, भीमा संगत लौट रहा था मैं, तो अब तो घर जाने की उतनी जल्दी है नहीं, तो मैं सोचा थोड़ा सा टाइम स्पेंड बीच में रुकते रुकते जाते हैं, क्योंकि आया था मैं तो एक जगह रुका था, बहुत अच्छा पॉइंट था, और उसी के आगे पॉइंट था लेकिन मैं रुक नहीं पाया था, तो मैं सोचा था लौटते हुए रुकूंगा, तो मैं लौटते हुए यहाँ पर रुका हूँ। और देखो कितना अच्छा पॉइंट है ये देखो, यहाँ पर मेरी बाइक खड़ी है, यहाँ रोड का टर्न है और उसके बाद ये पॉइंट है। कितना अच्छा जगह है, कितना अच्छा लग रहा है, पानी का फ्लो बह रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, बहुत क्लीन पानी है। तो मैं यहाँ थोड़ी देर रुकूंगा, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि बाइक से आया हूँ तो बीच बीच में रास्ते का मज़ा लेते हुए जा सकता हूँ। अब घर पहुँचेगा कोई जल्दी नहीं, क्योंकि पहुँचेंगे फिर पहुँचो वही ट्रैफिक वही चालू हो जाएगा। यहाँ उतना ज़्यादा आना होता नहीं है, साल में दो साल में एक बार आते हैं, लेकिन फुल यहाँ पर इन्जॉय करने वाला हूँ मैं। बैठूँगा अभी 15-20 मिनट, आधा घंटा भी बैठ सकता हूँ, और आँख बंद करके थोड़ी देर बैठूँगा, मज़ा करता हूँ। तो चलिए थोड़ी देर यहाँ बैठूँगा, उसके बाद निकलूँगा।